नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। सनातन धर्म में एकादशी का बहुत महत्व है। एकादशी अर्थात ग्यारस माह में दो बार आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इस तरह हर वर्ष कुल 24 एकादशी आती है। आज के इस वीडियो में हम एकादशी व्रत की संपूर्ण विधि, नियम और उद्यापन कैसे करें, इसे करने में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, यह जानेंगे। दोस्तों, एकादशी अर्थात ग्यारस का व्रत करने का विधि विधान दशमी अर्थात ग्यारस के एक दिन पहले से ही शुरू हो जाता है। दशमी से ही हमें मांसाहारी भोजन, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल आदि खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए व ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना चाहिए। इसके पश्चात एकादशी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करना चाहिए व भगवान विष्णु की तुलसी दल व पुष्प पंचामृत से पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान को आरती व भोग अर्पित करना चाहिए। ध्यान रखें कि भगवान को घर का बना प्रसाद ही चढ़ाएं। विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा करते हुए पूरे दिन व्रत रखना चाहिए। अब हम जानते हैं कि इस व्रत का उद्यापन कैसे किया जाए। एकादशी व्रत का उद्यापन करने का सबसे उत्तम समय मार्गशीर्ष के महीने या माघ मास में आने वाली एकादशी होती है। देखिए दोस्तों, किसी भी व्रत की पूर्णता तभी मानी जाती है जब विधि विधान से उसका उद्यापन किया जाए। उद्यापन में होने वाले पूजा हवन से सभी देवी देवताओं को उनका भोग प्राप्त होता है। इस दौरान किए जाने वाले दान दक्षिणा से व्रत की पूर्णता होती है व मनोवांछित फल प्राप्त होता है। उद्यापन वाले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। दोस्तों, व्रत का उद्यापन अपने सामर्थ्य के अनुसार छोटे व बड़े किसी भी स्वरूप में कर सकते हैं, बस आपके मन के भाव पवित्र होने चाहिए। यह उद्यापन करने के लिए आपको किन्हीं योग्य आचार का मार्गदर्शन जरूर लेना चाहिए। उद्यापन में 12 माह के एकादशी के निमित्त 12 ब्राह्मणों को उनकी पत्नी सहित निमंत्रित करके भोजन प्रसादी की व्यवस्था करनी चाहिए। भगवान विष्णु व लक्ष्मी जी की उचित विधि विधान से पूजा करके हवन करना चाहिए। इसके पश्चात ब्राह्मणों को फलाहारी भोजन कराकर वस्त्र दान आदि किया जाता है। आइए जानते हैं कि उद्यापन में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। नवग्रह का सामान, नारियल, चावल, मसूर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, चना दाल, ज्वार, हवन सामग्री, तेल, जौ, घी, 26 गिलास, 26 लौंग, 26 इलायची, दाख, फल, पंचपात्र, बादाम, काजू, मिश्री, अगरबत्ती, धूप बत्ती, आम का पत्ता, आम की लकड़ी, पुष्पमाला, पंचामृत पर ब्राह्मण व ब्राह्मणी को देने के लिए वस्त्र। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत अच्छी जानकारी मिली हुई होगी। मेरे किसी उच्चारण में व आपकी किसी श्रवण में हमसे कुछ गलती हुई हो तो क्षमा करें। धन्यवाद।